आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे आप देखते हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता चुका हूँ। इस वीडियो में नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी हमारी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आपके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि 30 सितंबर 2023 को आर्मी पब्लिक स्कूल जो लोकेटेड आपका वेरियस कंटोनमेंट मिलिट्री आपका स्टेशन अक्रॉस इंडिया, यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट विल बी कंडक्ट टीचर अंडर वेरियस कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको पब्लिश न्यूज़पेपर होगा वेरियस कैटेगरी जो कि रेगुलर और फिक्स टर्म पर नेचुरल, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर या फिक्स टर्म पे आपका रखा जाएगा जो कि आपका इन्फॉर्म किया जाएगा अलॉन्ग विद अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसी के समय। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर होंगे जो कि इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है उनके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर। यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो जो कि 30 सितंबर 2023 से और 1 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। ठीक है, दोस्त वो अपियर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन स्कोर कार्ड, उनको स्कोर कार्ड दिया जो कि वैलिड रहेगा उनकी लाइफ के लिए पूरी लाइफ। द पासिंग ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट विल बी हैंस फोर्थ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल कंप्यूटर प्रोफेंसी हाउएवर आफ्टर सिलेक्शन द पोस्ट टीचर रेगुलर एंड फिक्स टर्म। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर कैंडिडेट के लिए विद इन 2 ईयर ऑफ बींग अपॉइंटमेंट मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर 50%, यहाँ पे आपके 100 में से 50% आने चाहिए रेगुलर कैंडिडेट। फिक्स टर्म कैंडिडेट के विद इन 1 ईयर बींग अपॉइंटमेंट आपका मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर 40%, 80 मार्क में से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट वू हैव ऑलरेडी क्वालिफाई ओएसटी अबव कैंडिडेट विल नॉट अप्लाई फॉर एक्सपेक्ट दोस वू फिक्स टर्म वू 40% मार्क विल अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इन कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट फॉर जो फॉलोइंग पोस्ट है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होल्ड, यहाँ पे जो स्कोर कार्ड होल्डर है वो चाहें तो अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी इच्छा है अपग्रेडिंग, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, टीजीटी से पीजीटी में जाना चाहते हैं तो वो अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरा 2 अबव द रेस्पेक्ट सेल अनाउंस द वैकेंसी अवेलेबल देयर द स्कूल थ्रू वेरियस मीन्स लाइक लोकल न्यूज़पेपर, आपके जो है आपकी जो वैकेंसी है आपके लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को देखनी होगी। ठीक है, कॉल फॉर इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड रहेगा रेगुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, जो कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB द्वारा जो रहेगा, फिक्स टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लोकल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि आपका देख सकते हैं OST, PRT, TGT और PGT रहेगा। ठीक है, NH2 आपको गिवन जो दे सकते हैं दे मस्ट बी एजुकेशन एज क्राइटेरिया। यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें PGT, TGT, PRT, पोस्ट ग्रेजुएशन 50%, BEd होना चाहिए प्रोफेशनल 50%, एग्रीगेट ग्रेजुएशन 50%। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं TGT और BEd के लिए 50%, यहाँ पे PRT ग्रेजुएशन 50, यहाँ पे 2 स्टार दे रखे हैं, आप चेक कर लीजिए, कंडीशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, AER, DLED, BLED, BEd 50% यहाँ पे आपके होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार पोस्ट ग्रेजुएशन विद लेस देन 50% इन ग्रेजुएशन कैन आल्सो फॉर द पोस्ट फॉर TGT। यहाँ पे आपका अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है विद लेस देन 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 50% और अग्रीगेट पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट आपके है और लेस देन 50% है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सीटेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर OST, यानी ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के समय आपके सीटेट आपने क्लियर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीटेट आपको यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है जब आप आपका रेगुलर फिक्स टर्म पे जा रहे हैं, यानी आपके जब वैकेंसी आपके लग गई हो, वैकेंसी लग आपकी जॉब लग गई उस समय तक आपके पास होना जरूरी है, पेपर देते समय जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के बारे में दे रखा है। यहाँ पे आपकी आर्मी स्पाउस के लिए 40 बिलो, फ्रेश कैंडिडेट बिलो 45, 5 आपको जो 5 ईयर, बिलो 57 ईयर और बिलो 57 9 ईयर जिन्होंने मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे दे रखा है।
अदर यहाँ पे दे सकते हैं 40, 57 दे रखा है, फ्रेश कैंडिडेट, नो टीचिंग एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 57 यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, 30 सितंबर 1 अक्टूबर को यहाँ पे रखा है। एग्जाम सेंटर यहाँ पे आप दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे दे सकते हैं, फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर, 200 मार्क, 1 क्वेश्चन पेपर फाउंड आपका फंडा नेशनल आपका स्टेज PRT, 1 क्वेश्चन पेपर ईच सब्जेक्ट फॉर PGT एज वेल एज TGT। यहाँ पे दे सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आपका 200 क्वेश्चन का रहेगा, 1 मार्क दिया जाएगा, फिर ईच करेक्ट के आपको अवार्डेड 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जिसमें 1/4 रहेगा। एब्सोल्यूट रिजल्ट आपका एग्जाम आपका समरी यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन ऑफर्ड, क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं। फाइनल स्कोर कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि दिस स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर 21 डे, आपके एग्जाम के 21 डे के अंदर आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पे दे सकते हैं, पीरियड ऑफ 30 फ्रॉम द डे फाइनल स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर कार्ड कैन बी ऑप्टेन स्पेशल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनल स्कोर कार्ड आपका रिमूव कर दिया जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो 100 रुपये का आपको चार्ज देना है स्पेसिफिक आपके रिक्वेस्ट पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, 10 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक आप कर सकते हैं। फोटोकॉपी, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। कैंडिडेट वू अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट PRT TGT प्रोवाइड दे फुलफिल द पोस्ट अप्लाई। ठीक है, अप्लाई फॉर फ्रेश फॉर ईच कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मॉक क्वेश्चन 10% टोटल क्वेश्चन पेपर ई सब्जेक्ट एज पर द ब्लू प्रिंट। एडमिट कार्ड के बारे में दे सकते हैं, आ रहा है रजिस्ट्रेशन से आपको यहाँ पे दे सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड 20 सितंबर को मिलेगा, एग्जामिनेशन 30 सितंबर 1 अक्टूबर, पब्लिकेशन आपका रिजल्ट 23 अक्टूबर को रखा गया है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको क्लस्टर दे रखे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के बारे में आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन अंडर ईच स्ट्रीम, आपका साइंस स्ट्रीम के बारे में दे सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल 3, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिक्स, आपका मैथमेटिक्स। कॉमन ऑफर सब्जेक्ट 2 स्ट्रीम, साइक्लो आपका साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स। ठीक है, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इन आर्मी पब्लिक पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे दे सकते हैं, 2 ईयर आपका इंटीग्रेट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपका NCERT पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55%, 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd या मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको यहाँ पे, आप सब्जेक्ट के बारे में दे सकते हैं। इसी तरीके से PGT के आप यहाँ पे दे सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में दे रखा है, यहाँ पे पूरी डिटेल दे सकते हैं, मास्टर डिग्री के बारे में दे रखा है, फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे TGT में दे सकते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेट कोर्स आपका रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम, TGT के सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, वो सब यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगी। PRT में आप दे सकते हैं, ग्रेजुएट डिग्री है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। तो फ्रेंड ये थी आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली वैकेंसी के बारे में। आई होप जानकारी और वीडियो दोनों अच्छे लगे हों। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने धन्यवाद।